अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज्मा बुखारी की आटा ना मिलने की शिकायत पर महकमा खुराक पंजाब ने अपोजिशन रुकन के घर के बाहर आटे का ट्रक खड़ा कर दिया, दरवाजे पर थैले रख दिए। गुज़िश्ता रोज उज़्मा बुखारी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था कि सूबे में आटे का शदीद बहरान है और आटा ढूंढने से भी नहीं मिलता। पूरे मुल्क में आटे का बहरान पूरे जोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमत की वही मुर्गे की एक टांग के उन्हें किसी बात के ऊपर जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी। पिछले 18 महीने से ये हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और लेकिन जो है वो किसी भी इंतजामी नाकामी की जिम्मेदारी ये लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस सूबे का चीफ मिनिस्टर तो चला ही नहीं रहा और जिस वजीर आजम की खुद की कोई कारकर्दगी नहीं है वो सूबा पंजाब क्या चलाएगा। इस पर महकमा खुराक ने उनके घर के बाहर आटे से भरा पूरा ट्रक पहुंचाकर खड़ा कर दिया और महकमा खुराक के मुलाजमीन ने 20 किलो आटे के 40 थैले उज़्मा बुखारी के घर के बाहर रख दिए। उज़्मा बुखारी ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मैंने कल सूबे में आटे की किल्लत की बात की थी, जिस पर महकमा खुराक के मुलाजमीन घर के बाहर आटे के थैले उतारकर ड्रामा करते रहे। उनका कहना है कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सारे आवाम का मसला है, हुकूमत अपनी नाकामी माने और मुस्ताफी हो जाए।